सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं सुपर हिप यूट्यूब चैनल। तो यार ये बात तो सभी को पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आने वाले काफी सारे वेरिएंट्स जिसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दी है जो कि आपको ऊपर आई बटन पर सजेस्ट हो रही होगी। सो अगर आपका मन करे तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। आप सभी को ये तो पता होगा कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क का वेरिएंट भी देखने मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। ज्यादा सेट होने का नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब हमें एक नहीं दो दो वेरिएंट देखने मिल सकते हैं। जो कि पहला वेरिएंट तो आप सभी को पता ही होगा कि टॉम क्रूज का होने वाला है और दूसरा वाला वेरिएंट काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो मैं अब नाम बताने वाला हूँ जो कि है RDJ वाला आयरन मैन। जी हाँ, अब ऐसा पता लगा कि हमें आयरन मैन के दोनों वेरिएंट दिखने वाले। तो पहले बात कर लेते हैं टॉम क्रूज वाले आयरन मैन के बारे में कि वो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैसे और क्यों दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉम क्रूज वाले से। तो टॉम क्रूज वाला वेरिएंट वो होगा जिसका अल्ट्रॉन वाला प्लेन काम कर जाता है और अल्ट्रॉन उसकी सारी बात मानता है। मतलब कि मेन टाइमलाइन वाले टोनी स्टार्क का सपना था कि सूट ऑफ आर्मर पूरी दुनिया की रक्षा करेगा, वो सपना टॉम क्रूज वाला आयरन मैन पूरा करता है उसकी टाइमलाइन में और वो थानोस को भी हरा देता है, जिससे कि टॉम क्रूज वाले टोनी स्टार्क का घमंड और भी ऊंचा हो जाता है क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल सही हुआ। अब टॉम क्रूज वाला आयरन मैन RDJ वाले आयरन मैन के जैसे बुरे हालातों से नहीं गुजरा तो वो थोड़ा सा विलेन टाइप बन जाता है कि हमारे वाले आयरन मैन के बिल्कुल अपोजिट है। और इसीलिए आयरन मैन का डार्क वेरिएंट दिखाने के लिए टॉम क्रूज को कास्ट किया गया है। और सुपर आयरन मैन के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन भी होने वाले हैं। और तो और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जब हमें सुपर आयरन मैन दिखाया जाएगा तो ये थानोस के कटे हुए सर के साथ बात करता हुआ नजर आएगा, वैसे ही जैसे नॉन ऑस्बॉर्न ग्रीन गोब्लिन के साथ बात करता हुआ नजर आया था। तो यार ये सारी खबरें मैंने पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी खबरें मैंने जहाँ से पढ़ी है वहाँ पे टॉम क्रूज वाले वेरिएंट के बारे में और भी बहुत कुछ बताया है, पर वो कुछ ज्यादा खास नहीं है और मेरे से सबर भी नहीं हो रहा RDJ वाले आयरन मैन के रिटर्न के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि RDJ वाला आयरन मैन वेरिएंट होगा मेन टाइमलाइन वाले आयरन मैन का, तो इसीलिए वो टोनी स्टार्क जैसा ही दिखने वाला है। तो मेन बात तो ये है कि जिसे एंड गेम में थानोस से फाइट के दौरान आयरन मैन मर जाता है, वैसे ही जिस यूनिवर्स से RDJ वाला आयरन मैन आएगा उस यूनिवर्स में थानोस से फाइट करते करते डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाता है। तो हमें RDJ वाला आयरन मैन लास्ट में दिखाया जाएगा जब स्ट्रेंज विलन से लड़ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि RDJ वाला आयरन मैन सोर्स ऑफ सुप्रीम हो और डॉक्टर स्ट्रेंज जब सारे सोर्स ऑफ सुप्रीम के लिए दरवाजा खोले तो उस दरवाजे में से RDJ वाला आयरन मैन भी निकले जो मैजिक और टेक में एक्सपर्ट होगा। तो यार ये तो अभी के लिए सिर्फ र्यूमर ही है। आप कमेंट करके बताना जरूर आप RDJ को आयरन मैन के रोल में रिटर्न देखना चाहते हैं कि नहीं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।